जैसे आपाधापी वाले महानगर में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि सरकारी योजनाएं ऐसी हो जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए, जिंदगी की आपाधापी को कम करें। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी बनी जिनसे जिंदगी आसान होने की बजाय और मुश्किल हो गई। ऐसी योजनाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तैयार होने के आठ साल बाद आपाधापी को कम करें। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी बनी जिनसे जिंदगी आसान होने की बजाय और मुश्किल हो गई। ऐसी योजनाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तैयार होने के आठ साल बाद आज से इसे तोड़े जाने की शुरुआत की गई है। करीब 1.5 महीने में इसे पूरा ढहा दिया जाएगा। ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि सरकार ने जनता की कमाई ऐसी योजना में क्यों खपा दी जो लोगों को सहूलियत देने की बजाय सरदर्द बन गई। बनाने में खर्च हुआ 150 करोड़, अब तोड़ने में खर्च होगा 12 करोड़। सवाल यह है कि इन 162 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? की सड़कों का सरदर्द बीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंबेडकर नगर पर बाकायदा एक समारोह आयोजित करके बीआरटी पर हथौड़ा चलाया और इसे ढहाने की औपचारिक शुरुआत की। जनता की मांग थी, ये तोड़ा, जनता के कहने पे तो कर देना चाहिए सब। ये एक अच्छी चीज लाई गई थी लेकिन इसकी नकल ठीक से नहीं करी गई। दुनिया में कई देशों में है पर उसको अगर ठीक से दिल्ली के हिसाब से बनाते तो अच्छा था। कॉरिडोर ढहाने का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में कॉरिडोर के रास्ते की बाधाएं हटाकर सड़कें चौड़ी की जाएंगी। दूसरे चरण में इसे फिर से डिजाइन करके आधुनिक रूप दिया जाएगा। दोनों चरण फरवरी तक पूरे होंगे। 1 महीने के अंदर तोड़ने वाला काम पूरा कर दिया जाएगा जिसके 2 पार्ट हैं। एक है जो बीच के डिवाइडर्स तोड़ने हैं, बस स्टॉप हटाने, सब चीजें चेंज कर देंगे। दूसरा है कि आपको कहीं से यू टर्न चाहिए, कहीं से राइट टर्न चाहिए, तो उसमें एडिशन ऑल्टरेशन की जरूरत है, जो मतलब डिजाइन चेंजेस की जरूरत है, उसके लिए डिजाइनर अपॉइंट कर दिए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और जो आरडब्ल्यूएस हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर वो अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे और उसके बाद सेकंड फेज में उसको। पूरे बीआरटी कॉरिडोर की लंबाई 5.8 किलोमीटर है। कॉरिडोर अंबेडकर नगर से शुरू होकर शेख सरिया, चिराग दिल्ली और केंद्रीय विद्यालय होता हुआ मूलचंद पर खत्म होता है। रास्ते में करीब 1 दर्जन स्टॉप पड़ते हैं। शीला सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू हुआ बीआरटी प्रोजेक्ट 2008 में बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण में करीब 150 करोड़ की लागत आई थी। अब 8 साल बाद इसे तोड़ने में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो कितनी लागत लगेगी इसको तोड़ने में, क्योंकि 150 करोड़ के करीब इसे बनाने में इसमें पैसा लगा था और अब तोड़ने में कितनी मेहनत, कितना पैसा? एस्टीमेट 11 करोड़ के आसपास। बीआरटी कॉरिडोर बनकर तैयार होने के बाद से विवादों में रहा। इसका निर्माण दिल्ली को जाम से निजात दिलाने और बसों की आवाजाही तेज करने के लिए हुआ था, लेकिन कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं होने के चलते बीआरटी खुद ही जाम का शिकार हो गया। साथ ही सड़क हादसों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ जिसकी वजह से इसे तोड़ने की मांग तेज होने लगी। क्या दिक्कतें होती थी आप लोग, क्या आती थी बीआरटी से? तो काफी दिक्कतें हो रही थी कि जाम लग जाता था, जैसे बस के लाइन में बस जा रही है, कार के लाइन में कार, तो जैसे बस तो निकल जाती है, कार के जाम ज्यादा लग जाते हैं, बाइक वाले के जाम ज्यादा लग जाते हैं। मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ अपने बच्चे को अमेठी में, तो इतनी बुरी हालत होती है, इधर से गाड़ी आती है उधर से गाड़ी, सड़क पार कर। एक्सीडेंट हुआ ही नहीं हुआ? बहुत बार हुए सर, बहुत बुरी था हम। एक्सीडेंट हुए यहाँ पे ज्यादा होते हैं एक्सीडेंट। आखिरकार 8 साल बाद बीआरटी के अंत की शुरुआत हो गई। सवाल उठता है कि जनता के 162 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यही हमारा आज बीच बहस में का मुद्दा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, खास पैनल में से स्टूडियो में हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, जिनके कार्यकाल में दिल्ली की जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये प्रोजेक्ट बना और इसकी शुरुआत की गई और फिर बना भी। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पीएम मल्होत्रा, रिटायर्ड एसीपी ट्रैफिक दिल्ली पुलिस के हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल हरिशंकर जी आपसे, आज जिस कॉरिडोर को आपने बनवाया आपकी सरकार ने दिल्ली में, उसको तोड़ने के लिए 12 करोड़ खर्च आ रहा है, 150 करोड़ आपने खर्च किया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। तो आखिर बिना प्लानिंग के क्यों उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया? नहीं नहीं, ये तो मिसकंसेप्शन है कि ये फेल्ड प्रोजेक्ट था और क्यों आपकी बहुत सारे आरोप इस पे लगे, इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। बहुत सारे आरोप इस पे लगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बहुत सारे आरोप इस पे लगे और बहुत सारी बातें कही गई कि साहब डिजाइन गलत था, जल्दीबाजी में कर दिया गया,
और फ्री मूवमेंट नहीं थी, ट्रांसफर्स बड़ा प्रॉब्लम थी। 10 साल कोई भी दिल्ली का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको बनाने से पहले लगातार 10 साल तक प्लानिंग की गई हो, और जो भी इसके अंदर जरूरी एलिमेंट थे सबको ध्यान में रखा गया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, दिल्ली के एक कोर ग्रुप बनाया गया जिसमें राइट्स के लोग, रेलवे के लोग, ट्रांसपोर्ट के लोग, पुलिस के लोग, तमाम लोगों ने डिजाइन को अप्रूव किया। 10 साल लगे इस कॉरिडोर को बनाने के अंदर, और बड़ा 2006 में शुरू हुआ, 2008 में खत्म हुआ। अब सवाल यह है कि अगर लोगों को उसमें परेशानी हुई, एक नया प्रोजेक्ट था दिल्ली के अंदर, डिजाइन में कहीं कमी थी तो डिजाइन सुधर सकता था। और आज तो मैं ये कहता हूं कि अभी पिछले वर्ष ही केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा है कि हम BRT कॉरिडोर बनाएंगे, हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, तो भाई इसको तोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, रोड बनाना है तो इसके ऊपर बनाइए। अच्छा, वो हम सवाल लेंगे आम आदमी पार्टी से, लेकिन गुप्ता जी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आप नहीं चाहिए, आप, ये बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल लगे इसकी प्लानिंग में, बहुत रिसर्च की, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स बैठे, फिर ये प्लान हुआ, फिर बना, कामयाब हुआ। आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही ये नहीं चल पाया, फ्लॉप हुआ? नहीं, फ्लॉप नहीं हुआ। 100 सिटीज में आज भी 100 सिटीज में ये कॉरिडोर चल रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं चल पाया? बस कॉरिडोर है और साइक्लिस्ट के लिए डेडिकेटेड, दिल्ली में क्यों नहीं चल रहा? और मजे की बात यह है कि सभी सिटीज के अंदर मिडिल ऑफ द रोड चल रहे हैं। आपकी मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा है, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे आप, लेकिन क्यों नहीं चला इतनी एक्सपर्टीज के बावजूद? देखिए, ऑनेस्ट आपका मैं राय जानना चाहती हूँ, कोई विशेष कारण हो सकते हैं, जैसे आप बताएं, जैसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको तोड़ने से क्या फायदा होगा? नहीं, आप बताएं कि क्यों नहीं चल रहा है। 1997 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर थी तब यह आइडिया कंसीव किया गया था, 1997 में कंसीव किया गया था। कोई हमने तो बनाया है, हमने उस आइडिया को स्टडी करके उस आइडिया को बनाया और आगे बढ़ाया है। अब की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे गुप्ता जी, कि आपको क्यों लगता है, आप ऑनेस्टली मुझे बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आपकी की सरकार थी अभी तक कुछ समय पहले तक, आपकी सरकार में भी क्यों नहीं ये चल पाया? जब आप ही का प्रोजेक्ट था, 10 साल की एक्सपर्टीज थी, तमाम रिसर्च थी, फिर भी क्यों नहीं चल पाया? आपको क्या एक वजह लगती है? सुनियोजित इसके पीछे जो है कुछ लोगों का ऐसा था कि इस पूरे स्कीम को, इस पूरी योजना को बदनाम करने की साजिश। पर आपकी सरकार के कार्यकाल में कौन आप इस तरह से आवाज बहुत सारी तो उसको? अगर आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। कुछ हमारे न्यूज़पेपर्स थे जिनका एक कैंपेन था, मैं नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर, लगातार डेली बेसिस पे उनका कैंपेन था कि साहब ये तो बिल्कुल हद हो गई इस चीज की। सवाल यह कि इस कॉरिडोर के आज जो तोड़ने जा रहे हैं, इसको तोड़ने के बाद में वहां का जो ट्रैफिक जाम जिसकी हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा बिंदु बनाया गया, जो कि है भी वाकई है, क्या हुआ? क्या उस समस्या को हल हो जाएगा? आज दिल्ली के अंदर कौन सी सड़क ऐसी है जो नेशनल हाईवेज है या दिल्ली के मास्टर प्लान के रोड्स हैं, जो बड़े रोड्स हैं जहां पर ट्रैफिक जाम नहीं होता है? सवाल है, उस चीज को एक अच्छे काम के लिए किया गया था। मैं इस बात को कहता हूं कि अगर उससे इनकन्वीनियंस हुई लोगों को तो ठीक है, अगर उसको बंद कर दीजिए, बंद किया हुआ था वो ऑलरेडी, उसके डिजाइन को आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जवाब ले। और केजरीवाल जी तो खुद कह रहे हैं कि BRT कॉरिडोर बनना चाहिए और उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, तो एलिवेटेड रोड का काम शुरू करें ना, इतना पैसे में एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, सौरभ भारद्वाज से इसका जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, जी देखिए, BRT का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ देशों के अंदर एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट था। जो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की गलती थी वो ये थी कि वो एक BRT का कॉन्सेप्ट ले आए और सीधा सीधा उन्होंने उसको दिल्ली पे थोप दिया, और जो सड़क उन्होंने चुनी वो बहुत ही गलत चुनाव था। इसके लिए CRI की पूरी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा गया है कि सड़क का चुनाव बेहद गलत है, इसके अंदर बहुत सारे इंटरसेक्शंस हैं, यहां पे कारों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक गलती तो इन्होंने ये की कि गलत सड़क का चुनाव किया, और दूसरी बड़ी गलती की कि इन्होंने इसको अपने अहम की लड़ाई बना ली, इन्होंने इसको इतना ईगो इशू बना लिया कि नहीं साहब ये बहुत सही है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, और 5 साल तक हर साल इसके ऊपर 10 से 14 करोड़ रुपए तक की मेंटेनेंस खर्च की गई कि किसी तरीके से इसको सक्सेसफुल किया गया है। बीच में इन्होंने इसके डिजाइन को चेंज करने की भी कोशिश की, ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिजाइन चेंज करना नहीं किया, इन्होंने डिजाइन को चेंज करने की भी कोशिश की, बट उसके बावजूद सड़क पे जाम की समस्या नहीं हल हुई। और अंततः 2013 के चुनाव से पहले शीला दीक्षित ने खुद माना कि BRT एक गलती थी और हम इस BRT को हटाएंगे। भाजपा भी कहती थी कि हम इस BRT को हटाएंगे, कि लोग हटाया। कांग्रेस सरकार के किसी आदमी ने कभी आज तक नहीं कहा कि हम इसको हटाएंगे। थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने हम आए भाई, तैयारी करके आते हैं। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने कहा कभी नहीं कहा गया, ये बात गलत है।
और अभी भी सुशीला जी ने आज भी सिसोदिया जी ने कहा है इस बात को बीआरटी कॉरिडोर हम यही बनाएंगे, उसको हम सुधार कर रहे हैं, उसमें कुछ कमियां हैं उसको दूर करेंगे। बीआरटी कॉरिडोर की जरूरत है दिल्ली को और ये आपके मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है। अभी सिसोदिया साहब भी अभी जो उसका समारोह करके जो तोड़ने के लिए गए हैं उसको उसी समय वो कह रहे हैं, स्वतंत्र जैन भी इस बात को कह रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये एक मतलब उसको फंक्शन समारोह के रूप में ना लें, तोड़ने से क्या फायदा होगा। अगर आपको परिवर्तन करना तो परिवर्तन करें उसके अंदर, उसका आप डिजाइन लेके आए। एक सरकार ने अगर कोई काम किया है उसको अंडू करने की क्या जरूरत है। बीजेपी ने इसको इनिशिएट किया, कांग्रेस ने इसको बनाया, आपको सुधार की जरूरत है आप उसमें सुधार कीजिए। 150 करोड़ रुपए तो पानी में डालने से तो बात नहीं बनती है। अब मैं कल को यह कहने लगूं कि 15 दिन के ऑड इवन के अंदर दिल्ली को थोड़ा आराम मिला लेकिन आपने उसको बंद कर दिया, कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं था। 100 करोड़ रुपए का 125 करोड़ का आपने विज्ञापन में खर्च कर दिया तो ये भी तो एक गलत बात है ना। योजनाएं बनाई जाती हैं, योजना बना जाने के बाद उनको टेस्ट किया जाता है, अगर उसमें कहीं कमी है, नीयत अच्छी थी, काम करने की इंटेंशन बढ़िया थी और उसके अंदर आपने इस ढंग से जो है आज उसको तोड़ने का काम किया है, मैं समझता हूं कि बदले की भावना का काम है, ये एक सरकार के लिए जिम्मेदार। ठीक है, इसका इसमें रिएक्शन सौरभ का, फिर मैं मल्होत्रा जी के पास आऊंगी। सौरभ, कांग्रेस का ये कहना है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जो तोड़फोड़ की गई, आप उसको सुधार सकते थे, उसको डिसमेंटल करने की क्या जरूरत है? मैं इनकी याददाश्त थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि पिछली बार जो कांग्रेस की लोग यहां से चुनाव लड़े हैं, इस बार राष्ट्रपति की लड़की लड़ी थी और उससे पहले वीरेंद्र कसाना लड़े थे और शीला दीक्षित स्वयं कई चैनलों पर यह बात कह चुकी हैं कि बीआरटी हमारी गलती थी और हम इस गलती को सुधारेंगे और इस बीआरटी को हटाएंगे। मुझे लगता है ये बिना तैयारी के आए हैं, इनको नहीं पता कि नहीं, पार्टी गलत क्या है, आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अपनी गलती को छुपाने के लिए एक अहंकार से प्रेरित होके मैं आपको, आप फोन कर लीजिए राष्ट्रपति जी की लड़की को जो जीके से चुनाव लड़ी थी, या बुला लीजिए उनको कल टीवी चैनल पे। देखिए, हमेशा से बड़ी साफ सी बात है जो मैं अभी भी कह रहा हूं, ये बात को हमेशा आगे रखा गया है कि अगर इसके डिजाइन में या इसके व्यवहारिक प्रयोग के अंदर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप तो इसको सुधारा जाए, क्योंकि तोड़ने की बात कहां से बीच में आ गई। चले चले, आप सभी के पास आऊंगी, मल्होत्रा जी आपके पास भी आती हूँ। अरे भाई, आपके 5 साल में, लेकिन शीला दीक्षित की बात हो रही है, उनको सुन लेते हैं, सुधारा ना, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। 2013 के अंदर तक हम लोगों का बात था। अरे आपकी बहस ही खत्म करती हूँ मैं, सुन लेते हैं शीला दीक्षित को ही। बीआरटी का निर्माण शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में हुआ था, अब केजरीवाल सरकार इसे तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है, इस मौके पर शीला दीक्षित क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस समय चर्चा करने के लिए दिल्ली की ही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से बीआरटी जो सोच के बनाया गया था, शायद जो एक प्लानिंग थी उसमें कहीं चूक हो गई या वो आधे में ही बना तो नहीं बन पाया, वो जो मुकम्मल एक रिजल्ट की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिल पाया। देखिए, इसका रिजल्ट आया था बिगिनिंग में, क्योंकि कोई भी नई चीज करी तो लोगों को थोड़ी बहुत उसकी आदत पड़ने में समय लगता है, तो समय लगा था लेकिन चल रहा था। लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था इसे पुलिस वगैरह को, वो नहीं हो पाया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए शायद केजरीवाल जी ने छोटा कि ये कुछ की काम की नहीं है तो अब इसको बंद कर दो, तो तोड़ रहे। क्या बीआरटी दिल्ली में पॉसिबल है जिस तरीके से आपने बताया? नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और देखिए, नेसेसिटी है क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है अब बहुत ज्यादा हो गया है, साल दो साल के अंदर ही बहुत ज्यादा हो गया, ट्रैफिक जैम्स आपको दिखाई देते हैं, 21 तरीके की व्हीकल्स चलती हैं, स्कूटर भी चलता है, डोली वाला भी चलता है, साइकिलिस्ट भी चलता है, तीन पहिए वाला भी चलता है, और वो रिक्शा भी चलते हैं, ई रिक्शा भी है, नॉन ई रिक्शा भी है, सब कुछ। तो ट्रैफिक की जो वैरायटी है बहुत है, ट्रक्स भी हैं, छोटे ट्रक्स हैं, बड़े ट्रक्स हैं, तो इसको ट्रैफिक को केजरीवाल जी को और पुलिस को साथ मिलके ट्रैफिक को किस तरह से डिसिप्लिन किया जाए सब रोड्स पर, वो जरूरी है। मेरा ख्याल, मेरी राय ये है, अब करें या ना करें वो जानते हैं, क्योंकि केओस जरूर है इस वक्त। चलिए, मैं इसी पर रिएक्शन ले लेती हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सौरभ जी भी सुन लें, ये तो खुद मुख्यमंत्री जो पुरानी थी शीला जी, उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया है
कि भाई मैंने भी वो एक बात कही है कि कहीं भाई कोई अगर कमी रह गई है, सुधार की आवश्यकता, सुधार करें आप उसको। और जब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं बीआरटी की जरूरत है तो तोड़ने की क्या जरूरत है? कम से कम जो डिजाइन बाद में बनवाने वाले हैं पहले बनवा लें उसको आप, और उनसे पूछ लें एक्सपर्ट्स के साथ में कि कहीं इसमें डिजाइन में कुछ परिवर्तन करके इसी प्रॉपर्टी को देखिए, एक 150 करोड़ रुपए की एक चीज है, उसको आप ऐसे हथौड़ा चला के तोड़ दें तो ये क्या कहेंगे? बदले की भावना ही कहेंगे, इसको स्कोर करने वाली बात है। ठीक है, मैं इस पर एक तीसरा पक्ष लेती हूँ मल्होत्रा जी, फिर मैं सौरभ के पास चलूंगी। सर ये मुझे ये नहीं समझ आया कि ये जो कॉरिडोर बनाया है क्यों बनाया है, क्या जरूरत थी इसकी? कोई खास जरूरत नहीं थी और इसका कोई फायदा भी किसी को नहीं हुआ, और जब भी कोई कसूर होता है तो वो पुलिस के ऊपर ही कर देते हैं। तो इसके क्यों है ये कॉरिडोर बस का होता है कि ये जो कॉरिडोर बनाया है क्यों बनाया है, क्या जरूरत थी इसकी? कोई खास जरूरत नहीं थी और इसका कोई फायदा भी किसी को नहीं हुआ, और जब भी कोई कसूर होता है तो वो पुलिस के ऊपर ही कर देते हैं। तो इसके क्यों है ये कॉरिडोर बस का होता है, यहाँ बस की मूवमेंट बहुत हो, बसों की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो और बाकी फोर व्हीलर कारों की मूवमेंट कम हो, वहां बस कॉरिडोर बनते हैं सर। और जैसे यूरोप में अदर्स कंट्री की बात कर रहे हैं, मैंने भी काफी दो चार कंट्री गया हूँ जी, वहां बस की मूवमेंट 80% है और बाकी भी है 20%, यहाँ उल्टा है, यहाँ कारों की परसेंटेज है 80% और बस की आती है कोई 10%। 100 कारें होंगी तो 10 बसें आएंगी जी, फिर एक बस आएगी, फिर उसके 5 मिनट दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ये कॉरिडोर यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, ये मेरा अनावश्यक है आपका ये कहना। गुप्ता जी नहीं, देखिए मल्होत्रा जी जो बात कह रहे हैं उनका अपना अनुभव है, मैं उसमें उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बसों की संख्या ज्यादा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर फ्रेंडली हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो, इसलिए ये कॉरिडोर बनाया गया था ना, यही देख के तो कॉरिडोर। उसके पीछे लॉजिक क्या था? हाईवे बनाने के पीछे आज दिल्ली की जरूरत क्या है? आज दिल्ली की जरूरत यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर कांग्रेस ने मेट्रो बनाई है जिसमें 30 लाख लोग सफर करते हैं, आप क्या अंदाजा सोच सकते हैं कि अगर दिल्ली में आज मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली की हालत क्या होती? और दिल्ली का मेट्रो का विस्तार तो आज भी हो रहा है, 1 करोड़ राइडरशिप मेट्रो की होगी, ये सपना हमने देखा था। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर अब क्या है कि मेट्रो के बीच में कनेक्ट करने की जरूरत है। आप मोनोरेल लेके आइए, आप अपने एफर्ट्स उस तरफ करिए ना, आप मोनोरेल लेके आइए, मोनोरेल लेके आएंगे तो जो मेट्रो की जो लाइनें हैं जहां पर मेट्रो स्टेशन मेट्रो लाइन नहीं बिछाई जा सकती, उनको आपस में छोटी छोटी लाइनों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली में लाइट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आइए जिनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये काम करने की जरूरत है। आप सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली का यह है जो हमने सोचा था कि मेट्रो लाने के बाद में जो फुटपाथ हैं वो यूजर फ्रेंडली होंगे, फुटपाथ जो है एनक्रोचमेंट फ्री होंगे, क्या वो हो रहा है? क्या उस पर हमारा ध्यान कहीं जा रहा है? दिल्ली के अंदर फुटपाथ जितने पहले एनक्रोच किए गए तो उससे ज्यादा कहीं एनक्रोचमेंट लोगों के हो रहे हैं। सौरभ, इनका ये कहना है कि 150 करोड़ यूं पानी में बहाने की बजाय अगर आपको वाकई वहीं पर बीआरटी कॉरिडोर ही बनाना है तो इस तरह तोड़फोड़ की क्या जरूरत है? आप उसी को मॉडिफाई करते, 150 करोड़ यूं पानी में ना जाते, जनता की कमाई। मैं एक बात बताऊं, ये बहुत ही टेक्निकल मैटर है, और जैसे मैं बता रहा हूं कि बीआरटी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मगर आप जिस सड़क का चुनाव करते हैं उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि वो सड़क कितनी चौड़ी है, उस सड़क पे किस तरीके के लोग रहते हैं, वो किस तरीके के इलाके को कनेक्ट करती है, कितनी कारें चलती हैं, कितनी बसें चलती हैं, कितने स्कूटर चलते हैं, इन सब चीजों को देख के आप सड़क का चुनाव करते हैं। अब आपने बीआरटी पहले बना दी और आप बाद में कह रहे हैं कि इसका डिजाइन बदल दीजिए। आप डिजाइन बदल सकते हैं मगर लोगों को कोई ना बदल सकते हैं, आसपास के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कोई ना बदल सकते हैं, सड़क को लोगों के घर तोड़ के कोई ना चौड़ा कर सकता। भाई देखिए, पहली गलती तो आपने ये की कि आपने 150 करोड़ रुपए बर्बाद किए, उसके बाद आपने ये गलती की कि हर साल 10 से 14 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस में आप उसके ऊपर 5 साल तक बर्बाद करते रहे, और अब आप चाहते हैं कि और करोड़ों रुपए वहां पे बर्बाद कर दिए जाए मगर उस बर्बादी को रोका ना जाए। बात मत करिए, हमने ये फैसला किया कि आप जान उन करोड़ों रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कह चुका हूँ 15 दिन में आपने 100 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिया है, कार्यक्रम के लिए उसका जिम्मेदार कौन है? आपने 100 दिन में विज्ञापन में खर्च कर दिया, इतना फायदा दिल्ली वाले हम जिम्मेदार है? हम आपने पॉल्यूशन कम नहीं किया, ट्रैफिक कम किया है, और आज दिल्ली की कोई रोड ऐसी नहीं है जहां 15 मिनट 20 मिनट का जाम नहीं लगता हो। आप बताइए मुझे कहां, वहां तो बीआरटी नहीं बना हुआ? अगर बीआरटी यहां बना हुआ और आज आर्गुमेंट आप कर रहे हैं, आप लोग क्यों कहते थे कि बीआरटी को खत्म करेंगे? किसने कहा? अभी तो सुना मुख्यमंत्री को आपने, कब कहा उन्होंने? अभी तो आपके सामने बात हुई है, अब बोलिए ना कहा? अभी तो अभी सबके साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। सवाल आप इनसे कीजिए, बीआरटी कॉरिडोर 26 किलोमीटर का बनना था, 18 किलोमीटर का बनना, मैं आपसे बता रहा हूं, ये 18 किलोमीटर का बनना था मेरे भाई, अंबेडकर नगर से दिल्ली गेट तक ये कॉरिडोर, ये बीआरटी 26 किलोमीटर का बनना था, 18 किलोमीटर का बनना था। अच्छा चलिए छोड़िए उसको, 18 26 पानी में डालिए, आगे बना लेते
हाँ आप क्या कह रहे थे? आपने क्यों नहीं इसको पूरा बनाया फिर 18 किलोमीटर? क्यों बता चुका हूँ पूरा बनाना था इसको, सरकार चली गई, आपका मतलब ही नहीं है। आप 5 साल में भी पूरा नहीं बना पाए इसको? बिल्कुल किस्त में नहीं बना पाए, 2008 में चालू हुआ, साल में भी पूरा नहीं बना, 2008 में चालू हुआ, 2013 में हम सरकार में नहीं थे और उसको बनाने के अंदर कितना समय लगा है, सारे फंड्स लगे उसके अंदर, उसके पहले कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई, लोगों ने कंसल्टेड कैंपेन किया है डिरेल करने के लिए इस योजना को, इस योजना को खत्म करने के लिए, डिरेल करने के लिए कंसल्टेड कैंपेन था लोगों का, उसमें न्यूज़पेपर्स भी शामिल थे, गुप्ता जी के न्यूज़पेपर बड़े शामिल थे। गुप्ता जी, सरकार डर गई। आपने 2006 से 2008 दो साल में इसे पूरा किया, आपके पास 5 साल थे 2008 के बाद, तो बाकी का क्यों नहीं पूरा किया? डर गए मतलब? इतना बड़ा की 10 साल की रिसर्च, इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भाई, नुकसान बचा है 18 करोड़ रुपए, 18 किलोमीटर की बनाना था हमने, अम्बेडकर नगर से लेकर दिल्ली गेट तक का मूलचंद तक बना पाए, लेकिन इतनी लोगों की परेशानियां भी थी उसके अंदर, उसका भी ध्यान हमने रखा। चलो शुक्र है आपने कबूला की लोगों की परेशानियां, शुक्र है आपने ये कबूला की लोग, अब आखिर आप बना दीजिए, अब क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि बनने से ठीक हो जाएगा तो आप बना दीजिए उसको, हम तो यही तो आपसे कह रहे हैं, और क्या तोड़ने से क्या फायदा? बहस ही खत्म हुई, आपने ये कबूला की लोगों की परेशानियां भी, मैं तो पहले कह चुका हूँ इस बात के लिए, अगर इसके डिजाइन करने से उसको बनाने से कहीं असुविधा हुई है, आपने खुद का कि लोगों की परेशानी में आओ, आप अपने शब्द, आओ अपने शब्द, उसका डिजाइन में सुधार हो, बैठ के बात हो, लेकिन खत्म कर देने से, स्लेट को प्लेन कर देने से थोड़ी काम। अरे तो आपने 5 साल में क्यों नहीं किया सुधार उसका? कहाँ 5 साल किया भाई? अरे तो 5 साल में आपने सुधार क्यों नहीं किया उसके डिजाइन का? इतनी बड़ी योजना के लिए ये समय को ज्यादा काफी नहीं है मैडम, मुझे माफ कीजिए मल्होत्रा जी, कितनी बड़ी योजना है 6 किलोमीटर की? सर 6 किलोमीटर आपसे 5 साल में 6 किलोमीटर की योजना, आप सो रहे थे अभी, आपके, अभी आपके जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया 500 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर पे लगेगा, वो जो बीआरटी कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, आपको मालूम है कितने पैसे? मैं तो आम पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीआरटी कॉरिडोर मत बनाइए सर, उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई आप ऊपर से थोड़ी ट्रैफिक ले जाएंगे, जो कॉरिडोर बनाएंगे तो सिर्फ कारों के लिए 1 लेन 2 लेन जाए, दो लेन बचेंगी, कारें बहुत ज्यादा है, ये भी पार्ट अगर रहता, अगर ये बीच में बनाते हैं या 6-7 लेन की सड़कें होती तो ये भी ठीक हो जाता, पर प्लीज आप भी मत बनाए, इसमें कोई फायदा नहीं है, इन्होंने ये भी पैसा खराब हुआ है शायद, बाकी का तो बच जाएगा हमारा गवर्नमेंट का, तो ये सिंपल रहें, ये बहुत 4 लेन की रोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़कें चौड़ी कीजिए ना, सड़कें चौड़ी कीजिए, कॉरिडोर से क्या आज में दिल्ली में यही ठीक सारा बाकी कॉमेंट, फिर मुझे बहस को खत्म करना है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस बीआरटी के साथ करीब आधा दर्जन और जगह बीआरटी शीला दीक्षित बनाना चाहती थी, क्योंकि सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार थी, फोर प्रोजेक्ट इस बीआरटी को भी इनको लाल किले तक बनाना चाहिए था, इन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जनता बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और ये बात ये भी जानते हैं। अब आप बता दीजिए, आप बीआरटी कॉरिडोर को तोड़ कर बीआरटी कॉरिडोर ही बनाएंगे या सड़कों का चौड़ीकरण करने का इरादा है आपका? मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ये कॉरिडोर तोड़ कर आप वापस वही करने जा रहे हैं? इसको एक सामान्य रोड बनाया जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा है, आपके मुख्यमंत्री के बयान है भाई इस बात पे, हम बीआरटी कॉरिडोर भी बनाएंगे, एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सिकंदर जहां टीवी में क्या क्या गए हैं कि बीआरटी कॉरिडोर इसमें परिवर्तन करके यहां पर बीआरटी कॉरिडोर बनाया जाएगा, आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं आप लोग, आप थोड़ा पूरा आप ये मेरे पास आपके मुख्यमंत्री का बयान है मेरे पास टीवी के अंदर, आपके मुख्यमंत्री का बयान है मेरे पास भाई, उन्होंने हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त खत्म हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि जो भी हो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा हो, ट्रैफिक जाम से दिल्ली की जनता को निजात मिले। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।